तो हम बेटा यहां पे आ जाते हैं पीजीआरस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट हॉर्मोन्स। सो व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स? दीज आर, ध्यान से पहले सुनना है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक है, स्मॉल एंड ऑफ डाइवर्स कॉम्पोजिशन, बहुत अलग अलग इनकी कॉम्पोजिशन है। विच रेगुलेट वेरियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। जैसे हमारे में हॉर्मोन्स होते हैं, ऐसे ही प्लांट्स में भी हॉर्मोन्स, बट हमारे में हॉर्मोन्स हम कह देते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के बने हैं या प्रोटीन्स के बने हैं या लिपिड्स के बने हैं, इस तरह से। बट यहाँ पे ये नहीं कि ये प्रोटीन्स है, ये लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं, डिफरेंट है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बट बहुत अलग अलग कॉम्पोजिशन है, राइट? सो सेकेंडली, they may act at same place where they are secreted or they may be transported to distant sites। जैसे हम कहते हैं एनिमल हॉर्मोन्स जो है वो कभी भी उसी जगह पे काम नहीं करते, देयर साइट ऑफ एक्शन इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम साइट ऑफ सिक्रीशन, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है, देयर साइट ऑफ एक्शन एंड साइट ऑफ सिक्रीशन कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। ठीक है, प्लांट हॉर्मोन्स को हम, प्लांट को हम फाइटोटर्म भी कह सकते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइटोहॉर्मोन्स, राइट? दे मे प्रमोट वेरियस एक्टिविटीज और मे इनहिबिट। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो इनहिबिशन हो रही है वो प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, ये इनहिबिट कर रहे हैं फिर प्लांट क्यों सिक्रीट करते हैं, नहीं, इनहिबिट कर रहे हैं तो प्लांट के फायदे के लिए ही होगा कि वो कोई चीज को इनहिबिट करे, राइट? सो दे कैन बी इनहिबिटर्स और दे मे बी प्रोमोटर्स। टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स कौन से टाइप के हैं? सबसे पहले है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स क्या है? अगर हम केमिकली देखा जाए तो दीज आर इंडोल कंपाउंड्स। आपने केमिस्ट्री में किया होगा कि इंडोल्स क्या चीज है। इंडोल कंपाउंड्स सच एज इंडोल एसिटिक एसिड,
जिसको हम IAA भी कहते हैं। देन ऑक्सिन्स के बाद आ जाता है बेटा जिब्रिलिन्स और जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक है, ये क्या है? दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स हमने कहां पे पढ़ा? दैट इज फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा, दैट इज कैरोटीनॉइड्स, राइट? सो दीज आर कैरोटीनॉइड्स एंड टर्पीन्स। हम कैरोटीनॉइड्स ना कहके आपके बुक में है तो सेम ही चीज है, बट आपके बुक में टर्पीन्स लिखा हुआ है तो हम टर्पीन्स ही लिखते हैं। These are derivatives of terpenes, gibberellic acid. उसके बाद आ जाते हैं cytokines और kinetin. ये क्या है? These are N purpuryl अमाइनो प्यूरीन। प्यूरीन पिरिमिडीन हमने किया था, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस। तो ये मेनली एडेनिन डेरिवेटिव्स है। प्यूरिन्स कौन से टाइप के हैं समरी? डू यू रिमेम्बर टू प्यूरिन्स? जल्दी से बोलो। यस मैम। बोलो कौन से थे दो प्यूरिन्स? मैम थायमिन, एडेनिन। मैम एडेनिन एंड साइटोसिन। एडेनिन एंड गुआनिन, दो प्यूरिन्स थे एडेनिन एंड गुआनिन। तो ये जो साइटोकाइनेंस है ये किसके डेरिवेटिव्स है? एडेनिन के डेरिवेटिव्स है। तो अगर एडेनिन क्या है तो N6N16 अगर हम कह रहे तो N16 परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरीन, राइट? तो ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है इथाइलीन। इथाइलीन इज गैसियस हार्मोन, इथाइलीन आपको पता है। और लास्ट आ जाता है एबीए या एब्सिसिक एसिड, इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। एब्सिसिक एसिड जो है, दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, राइट? ठीक है, तो ये हमने जो है पांच जो है प्लांट हॉर्मोन्स हमने करने हैं। कौन से प्लांट हॉर्मोन्स है? दैट इज ऑक्सिन्स, फिर जिब्रेलिन्स, फिर साइटोकाइनेंस, देन इथाइलीन, देन एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन्स इंडोल कंपाउंड्स है, फॉर एग्जाम्पल इंडोल एसिटिक एसिड IAA। जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड, इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स। नेक्स्ट है साइटोकाइनेंस, डेरिवेटिव्स ऑफ प्यूरीन्स, दैट इज एडेनिन। इथाइलीन इज गैसियस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड। उसके बाद एक पॉइंट और हम लिखेंगे, दैट इज कैटेगरीज ऑफ फाइटोहार्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स ग्रोथ इनहिबिटर्स।
प्रोमोटर्स में आ जाते हैं ऑक्सिन्स जिब्रिलिन्स एंड साइटोकाइनेस. ग्रोथ इनहिबिटर्स में आ जाते हैं बेटा एब्सिसिक एसिड जो इथाइलीन है इज बोथ प्रोमोटर एज वेल एज इनहिबिटर. ये दोनों में आ रहा है राइट. ठीक है तो ये बच्चे आप एक बार लिख लो फिर हम आगे करते हैं. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ पीजीआर्स. कैसे डिस्कवरी हुई क्या किया क्या नहीं. अगर हम देखें ऑक्सिन्स की या सिंपली IAA फर्स्ट नेचुरल ऑक्सिन जो है ठीक है तो ऑक्सिन्स की डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रैंकोइस डार्विन सी डार्विन एंड एफ डार्विन इन शूट टिप ओलियोपटाइल. पोलियोपटाइल आपको पता है इट इज ए मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द शूट टिप. शूट टिप पोलियोपटाइल ऑफ कैनेरी ग्रास. कैनेरी ग्रास का बच्चे जो बोटेनिकल नेम है दैट इज फेनेरिस कैनारियंसिस. तो क्या देखा बट दे ऑब्जर्व पहले ध्यान से सुनो. ये है शूट टिप पोलियो बताए एक तरफ से जो है वो लाइट आ रही तो बेंडिंग कहां को हो रही है दैट इज टुवर्ड्स लाइट. सो बेंडिंग ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ ओलियोपटाइल टुवर्ड्स यूनिडायरेक्शनल लाइट. यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है एक तरफ से लाइट आ रही है ऊपर से नहीं लाइट आ रही है जैसे हम कहते हैं खिड़की से लाइट आ रही है ठीक है. उसके बाद उन्होंने क्या किया रिमूवल ऑफ शूट टिप या टिप ऑफ पोलियो पता है उन्होंने ये टिप है ठीक है इसको जो है वो पोलियोपटाइल को टिप जो है रिमूव कर दी और फिर लाइट दे रहे हो. नीचे वाला बेंड हो जाना चाहिए बट ऐसा हुआ नहीं. नो बेंडिंग towards left. उसके बाद उन्होंने क्या किया then placing of
placing of cut tip again. Or फिर इसको लाइट से एक्सपोज किया, बेंडिंग ऑफ प्लांट अगेन टुवर्ड्स लाइट। तो इसका मतलब जो प्लांट इधर को बेंड कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, टिप की वजह से बेंड कर रहा, बाकी नीचे के पोर्शन लाइट की वजह से नहीं, टिप मेनली टिप में कुछ है, ठीक है। सो फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दे कंक्लूडेड दैट सम केमिकल इज secreted by tip when exposed to light due to which plant bends towards light. This phenomena of bending towards light, इसको हम क्या बोलते हैं, phototropism। मैं बताती हूँ अभी ये कैसे होता है। उसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट है कि ऑक्सिन्स वर आइसोलेटेड, इन्होंने पता नहीं था, उन्होंने कहा कुछ केमिकल सिक्रीट होता है, ठीक है, बट उसके बाद ऑक्सिन्स वर आइसोलेटेड एंड आइसोलेटेड from oats coleoptile, oat plant जो होता है coleoptile, oats coleoptile and named as auxins by F.W. Wendt। तो F.W. Wendt ने किसपे काम किया, ओट्स कोलियोपटाइल का। ओट्स का बोटेनिकल नेम है एविना सेटाइवा। अब तीसरी बात है बेटा, प्रोसेस ऑफ फोटोट्रॉपिज्म। तो अब क्या रखें, इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टिप ऑफ प्लांट सिक्रीट्स ऑक्सिन्स। Which diffuses in subapical part. Subapical region. यहां पे secrete हुआ और यहां से diffuse करके ये नीचे पहुंच गया। Where
इट स्टिमुलेट्स, मतलब ऑक्सिन स्टिमुलेट्स सेल ग्रोथ। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, फिर लिख पाती बाद में, जगह नहीं है यहाँ पर कि, पर जब लाइट आई, इधर से लाइट है, तो लाइट इनहिबिट्स ऑक्सिन सिंथेसिस, तो इसलिए सारा ऑक्सिन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, सारा ऑक्सिन इधर शिफ्ट हो गया डार्कर साइड, इसलिए यहां से यहां डिफ्यूज किया, देयर इज मोर ग्रोथ, मोर ग्रोथ ऑन द डार्कर साइड then on the illuminated side, less growth where the light falls, more growth जहां पे light fall नहीं कर रही है, आपके पीछे जो है, जब हम अगर जब आप स्कूल जाते थे 10th तक, अब तक तो अब तो इतनी बोझ नहीं होता है आपके कंधों पे, जब आप स्कूल में 10th तक स्कूल जाया करते थे तो क्या करते, मतलब 7th-8th तक, तो आपके कंधों में भार होता था बहुत सारा है, तो हम आगे को झुक के चलते थे आगे वाले, तो इस तरह से ही प्लांट में यहाँ पे हैवी ज्यादा हो जाएगा, बहुत ग्रोथ है, यहाँ पे छोटे छोटे सेल्स है, लेस ग्रोथ है, तो प्लांट इट बेंड्स टुवर्ड्स लेस ग्रोथ, तब जब एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, अगर डिफ्यूज लाइट ऊपर से आ रही है तो सब तरफ इक्वल ग्रोथ है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है सब तरफ, तो प्लांट सीधा ही ग्रो करेगा, तो बेंडिंग कब होगी, सिर्फ और सिर्फ तक जब लाइट एक तरफ से पहुंच गई, राइट। ठीक है, ये मैं आपको लिखवाऊंगी यहाँ पे, आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, ये मत बनाना अभी, पहले नोट कर लो फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। तो हमने कहा है कि टिप ऑफ द प्लांट सिक्रीट ऑक्सिंस व्हिच डिफ्यूजेस इन सब एपिकल, सब एपिकल मतलब जो एपेक्स के नीचे पार्ट है, वेयर इट स्टिमुलेट सेल ग्रोथ, बी पॉइंट लिखिए, लाइट इनहिबिट्स ऑक्सिन सिंथेसिस, then C point, when plant is exposed to unidirectional light, light rays, एक direction से light आ रही है, then whole of the auxins moves from illuminated side to dark side. जिसके कारण क्या होगा, मोर ग्रोथ ऑन डार्कर साइड, डार्कर में जहां पे लाइट नहीं पड़ रही, देन इल्यूमिनेटेड साइड, इससे क्या हो रहा है, डिफरेंशियल ग्रोथ, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशियल मीन्स डिफरेंट ग्रोथ है, एक साइड पे ज्यादा है दूसरी साइड पे कम है, इस डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स हमेशा ही कहां पे होती है, लेस ग्रोथ, that is towards light,
कहीं भी किसी भी कारण से अगर डिफरेंशियल ग्रोथ हो रही है तो बेंडिंग हमेशा कहां पर होगी, जिस साइड पे लेस ग्रोथ होगी। ठीक है, लिखो ये। डिस्कवरी ऑफ जिब्रिल्स, डिस्कवरी ऑफ जिब्रिल्स, डिस्कवर्ड बाय याबुता एंड सुमिको। आइसोलेटेड एंड नेम्ड बाय क्यूरोसा तो याबुता एंड सुमिकी ने क्या देखा? दे वर्कड ऑन, एक राइस में डिजीज होता है ऑन डेथ में डिजीज या फिर पुलिश डिजीज ऑफ राइस सीडलेस। ठीक है, इन विच या which is caused by fungus, gibberella, pugicola. इस फंगस से ये डिजीज है। ठीक है जी, they observe a chemical secreted by fungus responsible for disease. उसके बाद आ गया बच्चे, नेक्स्ट आ गया क्यूरोसा। क्यूरोसा ने क्या किया? दे ग्राइंडेड फंगस, उसके बाद फिल्टर्ड इट, एक सॉल्यूशन में ग्राइंड की, उसके बाद फिल्टर किया, स्टराइल फिल्टर या फिल्ट्रेट, स्टराइल फिल्ट्रेट लिया ऑफ फंगस और उसको स्प्रे ऑन राइस फ्लावर्स। ठीक है, और क्या देखा उन्होंने? कॉज बैक्टीरियोसिस। इसका मतलब फंगस में कुछ केमिकल्स है जो डिजीज करते हैं, बेकने डिजीज, राइट?
they isolated the active chemical from fungus, which caused the disease. And named it as gibberellic acid. Acid क्यों? क्योंकि acidic compound था ये, इसलिए उसका नाम रख दिया gibberellic acid. It is acidic in nature. So इस तरह से gibberellin से discovery. एक हम और करते हैं साथ ही. डिस्कवरी ऑफ साइटोकाइनेस. साइटोकाइनेस की डिस्कवरी किसने की? साइटोकाइनेस की डिस्कवरी की एफ स्कूग एट आल बाय F. Skoog et al. Et al का मतलब है co-workers. ठीक है, उन्होंने क्या किया? They took some part of internodes of tobacco stem. आपको पता है नोड्स एंड इंटरनोड्स. दिस इज इंटरनोड्स, ये थिक पोर्शन नोड्स जहां पे लीव्स अराइज होते हैं वो है नोड्स, और दो नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है इंटरनोड्स. उन्होंने कुछ इंटरनोड्स के पार्ट्स कल्चर इन द आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम. स्टराइल वाटर लिया, उसमें रिक्वायर्ड मिनरल्स डाल, ठीक है, और उसको सॉलिडिफाइंग एजेंट जैसे जेली होती है ऐसे सॉलिडिफाइंग एगर एगर डाल के उसको सॉलिडिफाई कर दिया, और उसमें ये इंटरनोड्स के पार्ट्स जो लिए थे वो डाल, ठीक है. द सेल्स ऑफ, आपने पूरा लिखना है इंटरनोड्स, डी डिफरेंशिएट. उन्होंने रिवर्सल की डिफरेंशिएशन की एंड डिवाइड टू फॉर्म मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कैलस. कैलस होता है मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, अनडिफरेंशिएटिंग डिवाइडिंग सेल्स. मास ऑफ डी डिफरेंशिएट, तो पहले तो डिफरेंशिएटेड थे स्टेम सेल्स ने, डी डिफरेंशिएशन हुई तो अनडिफरेंशिएटेड हो गए, है ना. मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड डिवाइडिंग सेल्स उसको बोलते हैं कैलस, ठीक है. तो उन्होंने क्या देखा कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, कि कैलस इज फॉर्म्ड ओनली इफ कल्चर मीडियम हैज कोकोनट वाटर और यीस्ट का एक्सट्रैक्ट
कल्चर मीडियम में या तो कोकोनट वाटर डाल रहे हैं या यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, किसी और प्लांट का जाइलम फ्लोएम लेके उसको क्रश करके उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो डाल, राइट। तो उसके बाद आगे चल के मिलर ने, अभी जगह नहीं है मैं बताती हूँ, कि मिलर ने आइडेंटिफाई, उसने कहा कि ऐसा कोकोनट मिल्क में क्या है, ठीक है, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट में क्या चीज है जिससे डिवीजन हो रही है सेल्स, राइट। तो उन्होंने क्या देखा आगे चल के, मिलर ने, ये तो स्कूग ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद मिलर ने कोकोनट वाटर या यीस्ट एक्सट्रैक्ट या वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, इनमें से एक कॉमन जो है केमिकल निकाला, और वो केमिकल क्या था, दैट इज साइटोकाइनिन, जो प्रमोट करता था सेल डिवीजन, राइट। पहले ये लिखो फिर मैं लिखवा, तो जल्दी से लिखो, मिलर एट आर, एम आई डबल एल ई आर, मिलर एट आर, ई टी ए एल, एट आर मींस कोवर्कर, दे मिलर एट आर आइसोलेटेड अ कॉमन केमिकल, अ कॉमन केमिकल फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट्स, that promote cytokinesis or cell division. Full stop करके, they named it as thymidine. Isolated and crystallized भी लिख लेना. Crystallization means purified. Isolated and crystallized. Or they named it as kinetin, K-I-N-E-T-I-N, kinetin. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, डिस्कवरी ऑफ एब्सिसिक एसिड, ABA. इसमें आ जाइए, इन 1960s, 65-66 के करीब, इन 1960s, थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट्स प्योरिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, दैट इज इनहिबिटर बी, एब्सिशन टू एंड डॉर्मेंट, इनहिबिटर बी, एब्सिशन टू एंड डॉर्मेंट, फुल स्टॉप, नेचर ऑल द थ्री कम्युनिकेटेड विद ईच अदर एंड ऑब्जर्व दैट ऑल द थ्री केमिकल्स आर सेम, ऑल द थ्री केमिकल्स आर केमिकली आइडेंटिकल, ऑल द थ्री इनहिबिटर्स कर लो तो वो ज्यादा अच्छा, ऑल द थ्री इनहिबिटर्स आर केमिकली आइडेंटिकल
and named it as abscisic acid. Named it as abscisic acid. ठीक है जी. Next आ जाइए. Discovery of ethylene. साइंटिस्ट का नाम है एच एच कुजिन्स. आई होप ये भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी. ऑब्जर्व दैट व्हेन राइप ऑरेंजेस are placed along with unripe bananas, comma, there occurs quick ripening of bananas. उन्होंने क्या किए, एक तरफ तो रखे ऑरेंजेस प्लस बनानास, ये थे राइप, ये थे अनराइप, और दूसरी टोकरी में सिर्फ अनराइप बनानास है, ऑरेंजेस नहीं है. तो ये बनानास राइप क्विकली, जबकि ये स्लो राइटिंग. दोनों एक टाइप के बनाना से, बट फिर भी इसकी स्लो रही, इसकी फास्ट. फुल स्टॉप करके लिखो. दे ऑब्जर्व्ड दैट राइप ऑरेंजेस रिलीज वोलेटाइल सब्सटेंस. वोलेटाइल नहीं, जो वेपराइज फटाफट से हो जाए. वोलेटाइल सब्सटेंस दैट हेस्टन्स राइटनिंग ऑफ बनानास. स्टॉप करके लेटर this volatile substance later this volatile substance is identified as ethylene. Dash करके the gaseous form. तो ये हो गए आपके डिस्कवरी ऑफ फाइटोहार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर.